चलिए, जब आपने क्या करना है, आपने इनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। -3/2 सब बोलेंगे, किस कैटेगरी में डालूं, रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में या दोनों में? नंबर्स रैशनल नंबर्स, क्योंकि दो तो इंटजर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन -3 जो है वो इंटजर की कैटेगरी में जाता है, वो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं जा सकता। सो -3/2 इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन। व्हाट अबाउट 1/5? फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन, इज इट नॉट अ रैशनल नंबर? रेशनल नंबर आल्सो। एग्जैक्टली। तो जो 1/5 है, ये दोनों में जाएगा आपका रैशनल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। 3/7 बोथ बोथ, 3/7 विल ऑल्सो गो इन बोथ द कैटेगरीज, फ्रैक्शन एज वेल एज रैशनल नंबर। वॉट अबाउट -10/3? रेशनल रैशनल नंबर, आई कैन नॉट राइट -10/3 एज फ्रैक्शन। नाउ आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट, आपने मुझे बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से पढ़ना और फिर बताना ट्रू के फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ रैशनल नंबर। मैंने स्टेटमेंट दी, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ रैशनल नंबर। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल्स। यहां से हमें दिख रहा है, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, ये फॉल्स है। इट शुड बी एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। जो नेगेटिव वाले रैशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। सो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी वो हो गई है फॉल्स। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम रैशनल नंबर्स के बारे में। माई क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एनी टू अनईक्वल रैशनल नंबर्स? इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। कौन कौन कहता है इनफाइनाइट, हाथ खड़ा कर दो। ओके जी, हमारे पास है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एनी टू अनइक्वल रैशनल नंबर्स? तो आंसर इज इनफाइनाइट। अगर हम नंबर लाइन पे जाते हैं, सपोज एक नंबर मैंने लिया 3/2, एक मैंने ले लिया से 7/2। अब 3/2 और 7/2 के बीच में रैशनल नंबर बहुत सारे, ये है 1.5 और ये है आपका 3.5। इसके बीच में मैं जितने मर्जी चाहूं उतने रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकती हूँ। देयर इज नो लिमिट ऑन इट। 1.5, 1.501, 1.5001, कुछ भी करते जाऊं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एनी टू अनईक्वल रैशनल नंबर्स? बनाई इनफाइनाइट। बनाई ध्यान से सुनो, समझो और फिर आंसर करो। हाउ मेनी इंटीजर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन एनी टू अनईक्वल रैशनल नंबर्स? लुक एट दीज रैशनल नंबर्स, वन इज 1.5, अनदर वन इज 3.5। अगर मैं नंबर लाइन पर 3/2 और 7/2 लू, 0, 1, 2, 3, 4,
This is 3/2, and this is 7/2. The question is, how many integers can be inserted? You'll say infinite still. नाइन सी आपको आवाज आ रही है? नाइन सी अगर आवाज आ रही है तो हैंड रेज कर दो. ठीक है जी, वीडियो भी क्लियर है और आवाज भी आ रही है, राइट? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपका माइक वाइक बार चेक कर लो, ठीक है या नहीं है. आई कांट हियर यू. हाँ जी, लुक एट द नंबर लाइन, सी इट केयरफुली. बिटवीन 3/2 एंड 7/2, हाउ मेनी इंटीजर्स कैन बी इंसर्टेड? इनफाइनाइट. अरे बच्चों क्या हो गया? 3/2 मीन्स 1.5. दिस मीन्स 3.5. 1.5 और 3/0.5 के बीच में अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो दो ही इंटीजर हैं. कौन से? देयर आर ओनली टू इंटीजर्स इन बिटवीन. वन इज टू, अनदर वन इज थ्री. इसके अलावा कहाँ है इंटीजर कोई? इंटीजर का मतलब समझते हो ना? यस. इफ आई से 1.25, इज इट एन इंटीजर? मैं एक नंबर लिखूं, 2.5 इंटीजर है क्या? यस. अच्छा जी, 2.5 इंटीजर है, तभी इनफाइनाइट इंटीजर आ रहे हैं. गलती तुम्हारी है नहीं, गलती मेरी है. पर 2.5 इंटीजर कब से होने लग गया, पहले ये समझा दो मुझे. इंटीजर्स क्या होते हैं? मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे लगा था मैं आगे चल पड़ू, पर नहीं. इंटीजर्स वो नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट्स जीरो होते हैं, ओनली दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स. दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव. 1.5 या 2.5 ये इंटीजर नहीं होता. इंटीजर्स आर 1, 2, 3, -1, -4, -5, -100. एनी नंबर हुज डेसिमल पार्ट इज जीरो, ओनली दैट इज एन इंटीजर. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, नेचुरल नंबर्स मैं लिख रही हूं. नेचुरल नंबर्स में मैंने 1, 2, 3, 4 कॉमा डाल के ये लिखा. इसका मतलब सिर्फ ये ही वैल्यूज, नथिंग मोर देन दिस. इन बिटवीन कोई वैल्यूज नहीं चलेंगी मुझे. 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं. अब मैंने इसमें जीरो को ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका होल नंबर का सेट. अब मैंने इसमें कुछ नेगेटिव ऐड कर दिए तो ये बन गए आपके इंटीजर्स. जब ये नंबर्स करली ब्रैकेट में डाल के लिख रहे हो, मतलब जो कुछ इसमें पड़ा है बस वही, उसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है जी. सो इफ आई से 1.58, दैट इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो जीरो नहीं है. राइट, होल पार्ट होना चाहिए सिर्फ, और डेसिमल पार्ट जीरो होना चाहिए, तभी वो इंटीजर की कैटेगरी में आता है. अब मुझे बताओ, क्या 3/2 और 7/2 के बीच में फाइनाइट इंटीजर्स जाएंगे कि इनफाइनाइट जाएंगे? फाइनाइट. देर आर ओनली फाइनाइट इंटीजर्स बिटवीन टू गिवन अनइक्वल रैशनल नंबर्स. इस केस में अगर मैंने 3/2, 7/2 लिया तो मेरे पास दो ही इंटीजर फॉल कर रहे हैं, 2 and 3. इज इट ओके? यस मैम. चलिए जी, अब हम चल रहे हैं. आपके पास असाइनमेंट है? ऑल ऑफ यू हैव द असाइनमेंट. ठीक है जी, फर्स्ट एमसीक्यू देखो, इसको कर लो. टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. यहाँ पर 3 लिखा है लेकिन ऑप्शन में दो ही इंसर्टेड दिखाए जा रहे हैं, सो मेक इट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. बताइए जी, 3/5 और 4/5 के बीच में मैंने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, हाउ कैन आई डू इट? क्या तरीका रहता है, कैसे करते हैं? बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन प्लस मोर रैशनल नंबर्स, हाउ वी डू इट? कौन बताएगा मुझे? एन प्लस वन. हाँ जी, एन प्लस वन.
कैसे कैसे कौन, एक जना कोई माइक पे आ जाओ, नाइन्थ ई में से कौन आएगा माइक पे? नाइन्थ ई, एनीबडी फ्रॉम नाइन्थ ई, मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा या आ जाओगे अपने आप ही कोई? हाँ शाबाश, वेरी गुड। मुझे बच्चे अपने आप उठ के माइक पे आते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, किसको मल्टीप्लाई करूं? मेरे पास है 3/5 एंड 4/5, किसको 10 से मल्टीप्लाई करूं बेटा? 4 बाय 10, को, बोथ बोथ, बोथ, आई मल्टीप्लाई बोथ बाय 10। यस। अच्छा, बोथ बाय 10 करने का मतलब 30/5 एंड 40/5, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू। 5 को भी करना। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई। चलिए जी, अब क्या करूं? नंबर्स विच कम इन बिटवीन आर रैशनल नंबर्स। द नंबर विच फॉल इन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स लाइक 30/50, 40/50 के बीच में, 31/50, 32/50, 33/50, वो सब फॉल कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी आप सीट पर। अब लुकिंग एट दी ऑप्शंस, इज इट ऑलवेज अ मस्ट कि मुझे 10 से ही मल्टीप्लाई करना होता है? क्या किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नो, यह कंपल्शन है कि 10 से ही मल्टीप्लाई करो? नो, आई कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, द ओनली कंडीशन इज कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को उससे ही मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं अपने आंसर्स पर देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी ऑप्शंस में से आंसर बताना है, जो दे रखा है उसी में से आंसर सेलेक्ट करना है मुझे, तो क्या समझ में आता है आपको कि किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं? सिक्स एक्स से, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें सभी के डिनोमिनेटर्स कितने हैं? 30, राइट? तो मैं क्या करूं, मैं ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। लुकिंग एट दी ऑप्शंस, आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 एंड नॉट बाय 10। किसी भी नंबर से कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो ऑप्शंस में से आंसर ढूंढना था, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई। अब इसके इन बिटवीन जो भी नंबर आ रहे हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन से ना, कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा? ये 19/30 एंड 21/30। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता दो पहले मुझे, फिर हम बाकी बचे हुए पे फिर इरेशनल नंबर की बात करेंगे और उस पे चलेंगे। टेल मी क्वेश्चन नंबर 3, करके चुके हैं अभी हम। बिटवीन एनी टू अनइक्वल रैशनल नंबर्स देयर आर, फर्स्ट ऑप्शन है फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स एंड इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, कहना या फिर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। क्या आंसर करेक्ट होगा? कहना हाँ जी बोलिए। मैम सी सी, फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। कैसे बचे? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात कही कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो फिर सी कैसे आंसर होगा? ए ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, आंसर ए करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा था बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इंटीजर्स फाइनाइट और रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही है? सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए है। हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था दैट वॉज 3/2 एंड 7/2, जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे तो इसके बीच में दो ही इंटीजर्स आ रहे थे, 2 और 3, लेकिन रैशनल नंबर की बात करो तो हर पॉइंट, नॉट एवरी पॉइंट, वो इरेशनल भी साथ में रहता है, बट बिटवीन दिस दिस इज 1.5, दिस इज 3.5, तो इसके बीच में मैं जितने मर्जी चाहूं उतने रैशनल नंबर्स डाल सकती हूँ। सो आंसर फॉर थर्ड एमसीक्यू इज ए, दैट इज फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स एंड इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स?
any number which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers, q not equal to 0, is irrational. Under root 5, rational hai, irrational hai? Irrational. Rational hai, irrational hai? Irrational. So all those numbers जिनको p by q की form में जबकि p और q integers हैं express नहीं किया जा सके तो वो हैं आपके irrational numbers. अब एक बात बताना, if I write under root 25, is it a rational number or an irrational number? Rational. रैशनल वाले हाथ खड़ा कर दो, जो जो कहते हैं रैशनल है वो हाथ खड़ा करेंगे. ओके, नाइन्थ ए में से सिर्फ एक ही कह रहा है रैशनल, बाकी कोई हाथ खड़ा नहीं है. नाइन्थ सी में से भी एक ही हाथ दिख रहा है मुझे, बाकी सब कहते हैं इरैशनल. मतलब आप ये कहना चाहते हो जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो इरैशनल, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया. हाथ नीचे कर लो बच्चों. अरे बच्चों थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, जब आप 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5. तो कैसा नंबर है, रैशनल है कि इरैशनल है? तो ये नहीं कि स्क्वायर रूट का साइन देखा तो चलो भाई इरैशनल. तो स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है. समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, ma'am. अब एक बात और देखो जरा, I am writing 125 and here I am writing 3. इसका मतलब समझ में आता है इस expression का? Do you understand what does it mean? Yes. क्या मतलब है इसका बताओ फिर? 125 का cube root. यहाँ पर मतलब होता है square root और यहाँ पर मतलब है, if I have written 3 here, it means I am talking about the cube root. अब आपने मुझे बताना है क्यूब रूट 125 कैसा नंबर है, रैशनल की इरैशनल? दिस इज अगेन रैशनल. ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और अगर किसी को डाउट है तो पूछना. 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब और एक्सपोनेंट आप लोग पढ़ के आए हो सेवेंथ में, एट्थ में और नाइन्थ में भी, इस चैप्टर में भी एक्सपोनेंट की बात आपने की है. ये और ये आपस में मल्टीप्लाई, आंसर बन गया 5. इट मीन्स दिस इज रैशनल. बट इफ आई टेक अंडर रूट 7, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. स्क्वायर रूट कर रही हूं मैं, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज अ इरैशनल. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो. एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो मैम. नो. चलिए जी, अब जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट परफेक्टली. थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलेंगे आगे. जब भी हम किसी भी कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में है उसकी डेसिमल एक्सपेंशंस करें, मान लो मेरे पास है 1/5. डेसिमल एक्सपेंशन करने का मतलब है 0.2. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है. कौन से भला? फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग non-repeating or non-recurring, whatever you want to say, non-repeating or non-recurring. तीन तरह की decimal expansions possible होती हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा 1/5 से I write 1/2. ये सारे ऐसे numbers हैं जो कहीं ना कहीं जा करके जब आप इनकी expansion करने लगेंगे तो ये जा करके terminate हो जाएंगे. terminate मतलब खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, stop हो जाएंगे, आपका remainder zero बन जाए. जब हम बात करते हैं non-terminating and recurring, suppose मेरे पास है 1/3. अगर मैं 1 को 3 से divide करती हूँ, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, so on and so forth, बेचारा कभी खत्म ही नहीं होगा, रिमाइंडर बचता ही जाएगा मेरे पास. नो वेयर दे आर गोइंग टू स्टॉप. सो सच काइंड ऑफ नंबर्स
दो बातें इसमें, एक तो हम जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर भार डाल देते हैं, एक चीज, और दूसरा चलिए मैं ऐसे 1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, या मैं सेल्फ सपोज मैंने लिख दिया 25.40 बार, इसका मतलब क्या होगा? बार मींस रिपीटिंग, रिपीटिंग, सो इसके पहले वाला नंबर तो ऑब्वियसली यही रहेगा, डेसिमल के बाद ये रिपीट होता जा रहा है, 40 40 40, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपका इन्फिनिटी तक जाते जा रहा है। तीसरे तरह के नंबर जो ना तो बेचारे कहीं खत्म होते हैं, ना ही कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। सपोज आई राइट अ नंबर 0.10100011100010000001, कुछ भी जाता जा रहा है, ये ना तो कहीं खत्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं। ये तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास पॉसिबल है। अब आपने मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के लिए है और कौन सी इरैशनल को रिप्रेजेंट कर। हाथ खड़े करने हैं, जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू स्पीक। 9th F, मिडिल रो, थर्ड बेंच, आ जाओ बच्चे आगे माइक पर। विच आउट ऑफ दीज इज रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर एंड विच इज रिप्रेजेंटिंग इरैशनल नंबर, दैट इज द क्वेश्चन। मैम टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल। ओके दिस इज अ रैशनल नंबर। सेकंड वन मैम दिस इज आल्सो रैशनल। दिस इज रैशनल एंड व्हाट अबाउट दिस? इरैशनल। दिस इज इरैशनल, परफेक्ट, वेरी गुड, व्हाट यू सी इट। ये जो पहले दो टाइप्स हैं जहां पर मेरी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, या जहां पर रुक तो नहीं रही है लेकिन एक पैटर्न को ही फॉलो करे चले जा रही है, ये दोनों किस कैटेगरी के हैं? ये हैं रैशनल नंबर्स और ये है इरैशनल नंबर। इज इट ओके? यस मैम। चलिए जी फिर हम पहले हम बात करते हैं assertion reason के। निकाल लो अपने MCQs में से, अपनी assignment में से, take out your assertion reason। assertion reason की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले एक word use किया गया है, real numbers। What do you mean by real numbers? हमने आज क्लास में बात की नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, रैशनल नंबर्स की, इरैशनल नंबर्स की, ये रियल नंबर की तो बात ही कुछ नहीं करी हमने। व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? मैम द कलेक्शन ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, और इन एनी वर्ड्स आई से आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो सारे के सारे फॉल करते हैं रियल नंबर्स। अच्छा एक क्वेश्चन और बताना है, सबने नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। इफ आई से एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज इट करेक्ट और नॉट? आई रिपीट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बोलिए जी, इज इट ओके और नॉट? इट इज ट्रू और फॉल्स? 9E से मेरे राइट हैंड साइड पे सेकंड बेंच पे जो कॉर्नर में लड़की बैठी है, शील टेल। हाँ जी बेटा बोलो बोलो बोलो। फॉल्स मैम, ट्रू। एक तरफ तो भैया फॉल्स भी साथ साथ ट्रू भी, ऐसे कैसे चलेगा? ट्रू, ओके, शी सेज ट्रू। हाउ मेनी गोज विद हर? कौन कौन कह रहा है कि वो ठीक बोल रही है? ट्रू, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कुछ क्लास वाले तो बेचारे बैठ ही जाते हैं, 9F वालों में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक को छोड़ करके जहां तक मुझे नजर आ रहा है, बाकी सब कहते हैं कि नहीं भैया इंटीजर रैशनल नंबर नहीं होते। हाथ नीचे कर लो। आई हैव एनी इंटीजर, सपोज -3, कैन आई राइट इट एज -3/1? आई कैन। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या तकलीफ है मुझे? सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
Every integer is a rational number. Is this statement true for whole numbers also? Can I say every whole number is rational? False. Okay, मतलब आप कह रहे हो कि जो होल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नहीं होते. क्यों भाई, होल नंबरों ने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि रैशनल नहीं बनेंगे? मैम, जो रैशनल नंबर्स जो रैशनल नंबर होते हैं नाइन डी में, पीछे बिल्कुल लास्ट में लड़का बैठा है, मिडिल रो में, लास्ट में, जहां मैम खड़े हैं, मैम के पीछे. हाँ हाँ वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आगे आ जाओ बच्चे फटाफट. इतनी ऐश प्रस्थित है नहीं, जरा फास्ट फास्ट फास्ट, एनर्जी बहुत है तुम में, जल्दी से भाग के आ जाओ आगे. मैं ट्रू ट्रू है भैया, तो काफी लोग तो कह रहे हैं फॉल्स है, फिर जस्टिफाई करो क्यों ट्रू है. कोई एग्जाम्पल दे दो, जस्टिफिकेशन दो, क्योंकि सारे बहुत सारे तुम्हारे साथी कह रहे हैं कि गलत है, उनको भी तो समझना पड़ेगा ना. बोल बच्चे बोल, शाबाश, कह तो तू ठीक रहा बेटा, यू आर परफेक्टली राइट, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. लेकिन कोई बता दो, समझा दो क्यों. अरे भाई सेम चीज जो हम इंटीजर के साथ कह रहे हैं कि होल नंबर के लिए ट्रू नहीं हो जाएगी. माइनस जीरो बाय वन, माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं होता जीरो बाय वन. जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बेचारा जाइए सीट पर बैठिए. जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो जीरो ही कर सकता है और कोई चीज है नहीं है. क्योंकि एक बात और समझो बच्चों, जब आपने इंटीजर के लिए ट्रू कह दिया तो होल नंबर तो इंटीजर का एक पार्ट ही है. होल नंबर में नेगेटिव मिलाए थे तो इंटीजर बना था. अगर आपकी इंटीजर के लिए ट्रू हो रहा है तो होल नंबर के लिए कैसे ट्रू नहीं हो सकता. जीरो बाय वन इज डिफाइंड, वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. और ये तो मेरे रैशनल नंबर की कंडीशन को भी मीट नहीं कर रहा. जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाय वन, कोई दिक्कत नहीं है जीरो से हमें. सो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, वो रैशनल नंबर होगा. ठीक है जी. अब अगर मैं कहूं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फिर आपका क्या विचार है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा इज अ इंटीजर, सॉरी सॉरी सॉरी, इज एन इंटीजर. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी इंटीजर है वो रैशनल है. अब मैं उल्टी बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं. इज इट ओके? बिल्कुल फॉल्स बात है, क्योंकि अगर मैंने कहा 3/5 तो भैया 0.6 आंसर मिलने वाला है, इसका डेसिमल पार्ट जीरो नहीं है, सो इट इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है जी. चलिए जी फटाफट जरा सॉल्यूशन रीजन पे चलते हैं. First assertion is every point on the number line represents a unique real number. Is it okay? Yes, ma'am. Yes. Real number तो होगा ही, वो rational है, irrational है, integer है, whole number है, natural number है, वो vary कर सकता है. लेकिन obviously अगर number line पर ले जा रहे हो तो वो real तो है ही. फिर है irrational numbers cannot be represented on a number line. False. आप लोगों ने किया है रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, 8.1 अंडर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, उसकी बात कभी थोड़ा रुक के करेंगे, पर आप लोगों ने यू हैव डन इट. सो इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. तो आंसर क्या बनेगा इसमें? असर्शन आपका ट्रू जा रहा है लेकिन रीजन फॉल्स है. थ्री ऑप्शन, थ्री ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए जी अगले पर चलते हैं. Decimal expansions of every rational number is only terminating. False. अभी हमने देखा terminating वाले भी rational हैं, non-terminating and recurring भी rational हैं. It is not कि जो terminating है सिर्फ वही rational है. Rational की category में ये भी जा रहे हैं, तो पहली statement हो गई false.
रीजन देखो जी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. दिस इज ट्रू. अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ऑब्वियसली वो कैसी है? इरेशनल. तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? डी फॉर दिल्ली, लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर. नेक्स्ट है 31 इज अ रैशनल नंबर. अभी हमने कहा था कोई होल नंबर है, कोई इंटीजर है या नेचुरल नंबर है तो वो रैशनल होता है, क्योंकि 31 को 31/1 लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो पहला हुआ आपका ट्रू, 31 इज अ रैशनल नंबर. अगले की बात करो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल. ध्यान से सोचो क्या कह रहे हैं, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट करूं तो आंसर रैशनल ही होगा. पांच रैशनल है, स्क्वायर रूट कर दूं रैशनल नहीं रहा. चार रैशनल है, स्क्वायर रूट करूं रैशनल हो गया. ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो भी नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हुए उनका स्क्वायर रूट करने पे रैशनल आंसर मिलेगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट करने पर इरैशनल नंबर मिलने वाला है. इज इट ओके? ये बात सबको समझ में आई है कि नहीं? यस. तो आंसर क्या बना इसका? डी. हाँ ना ना, सी बनेगा बेटा. असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब एमसीक्यू पे वापस चलते हैं. एमसीक्यू फोर्थ, जल्दी जल्दी बताओ जरा, फिर हम केस स्टडी पे चलें. जल्दी से फोर्थ वाला बताओ जी, फोर्थ एमसीक्यू. Let the perimeter of the triangle be represented by L and area A. Which of the following statement is correct? ये एक triangle बना के दिया आपको, right angle at B, this is A, this is C, this is 2√2, this is √10. अब हमने बात करनी है perimeter और area की. What do you mean by perimeter of the triangle? Sum of all the sides. Sum of all the sides. अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि मुझे ए बी और ए सी पता है, बी सी तो पता ही नहीं. ये पता चलेगा तो मैं ऐड करूंगी और देखूंगी कि रैशनल आ रहा है कि इरेशनल आ रहा है, अभी तो पता ही नहीं है मुझे, क्या करूं फिर? आप ये साइड बी सी कैलकुलेट कर सकते हो? पाइथागोरस से हम बी सी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं. दो साइड्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगाई जा सकती है. पाइथागोरस में अगर दो साइड्स पता हो तो तीसरी कैलकुलेट हो जाती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? अंडर रूट 10, बेस 2√2, परपेंडिकुलर बी सी, ये निकालना है मुझे. अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 10. और 2√2 का क्या आएगा स्क्वायर? 4. 2√2 स्क्वायर का मतलब क्या है? 2√2 × 2√2, राइट? 8. 2 × 2 × √2 × √2, ये फिर से बन गया 2, तो आंसर यहां से आया 8. दिस इज बी सी स्क्वायर. सो 2 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड बी सी कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2. देख लो कहीं पर क्लैरिटी नहीं हो रही है तो पूछो. अंडर रूट 10 का स्क्वायर किया तो आंसर बनेगा 10, क्योंकि अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 10 हो जाता है. फिर ये 2√2 का स्क्वायर किया, मतलब 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई, ये दो मल्टीप्लाई, ये फिर से √2 × √2 दो बन गया. 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो ये बन गया आपका 8. ये 8 इधर शिफ्ट किया, 10 − 8 2, बी सी स्क्वायर, बी सी चाहिए था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो आंसर बन गया √2.
अब बताओ जी, पेरीमीटर कैसा है, रैशनल या इरेशनल? पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है टू रूट टू, ये आया है रूट टू, ये आया है रूट टेन, तो थ्री रूट टू प्लस रूट टेन कैसा नंबर आएगा, रैशनल के इरेशनल? इरेशनल। रैशनल, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, सो फाइनल रिजल्ट इज इरेशनल। देख लो, समझ लो, जिसको कोई डाउट है तो कृपा करके पूछ लो। पेरीमीटर के बारे में पूछा जा रहा था, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, दो साइड दे रखी हैं, तीसरी दी नहीं है, निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज किया, पाइथागोरस निकल से हमने साइड निकाली, एडिशन करी, सो आंसर इज इरेशनल। अब हमने बात करनी है एरिया की, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए जी, फिर बेस कितना है मेरा, और हाइट कितनी है, रूट टेन। अच्छा जी, अरे रब्बा, रूट टेन किसने बोली, हाइट से बता दो मुझे, पहले तो उसे सातवीं क्लास में भेजू मैं। हू सेज रूट टेन इज द हाइट, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइट ले सकते हो या ये बेस ये हाइट ले सकते हो, लॉन्गेस्ट हाइट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो तो कभी भी हाइट पे जा ही नहीं सकता आपका। सो हाइट इन, अगर मैंने टू रूट टू को बेस लिया तो रूट टू हाइट, दो से दो कैंसिल हो गया, रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा, टू। सो एरिया कैसा हुआ, रैशनल के इरेशनल? रैशनल। टू इज अ रैशनल नंबर, इसका मतलब L, विच इज पेरीमीटर, इज इरेशनल, जबकि जो एरिया है दैट इज अ रैशनल नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका C, L दैट इज पेरीमीटर इज इरेशनल, वाइल A विच इज एरिया इज रैशनल। जिस जिसको समझ में नहीं आया है जरा हाथ खड़ा कर दो प्लीज, आई नो बहुत बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया है, अब हाथ नहीं खड़ा करोगे तो दिक्कत वाली बात है। नाइन्थ ए, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस। पक्का? यस मैम। चलिए फिर, इसका ऑप्शन जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन जो है दैट इज सी। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। The decimal form of an irrational number is neither p nor q. नीचे options दे रखे हैं, जरा एक बार पढ़ लो सारा question ध्यान से. Try to understand what is being asked and try to give the answer. इरेशनल नंबर्स, पहले सोचो, जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन की बात की थी इरेशनल की, तो कैसे थे इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां बोला गया द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नीदर, नीदर का मतलब नेगेटिव ऑफ माय स्टेटमेंट, ना कैसी नहीं है बताइए जी। ऑप्शन देखो, पी के नीचे, ए ऑप्शन में पी के नीचे दे रखा है नॉन रिपीटिंग, क्या डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग नहीं है या नॉन रिपीटिंग है? बच्चों ये जो नेगेशन के साथ, नेगेटिव के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत परेशान करते हैं, जरा ध्यान से इस बात को समझना। हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating, या non-recurring, whatever you want to say. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया, decimal expansion of irrational number is neither p nor q. Neither repeating. Yes, neither repeating nor terminating. इस बात का मतलब irrational number की decimal expansion ना तो repeat होती है ना ही terminate होती है. बहुत इंपॉर्टेंस होती है ऐसे क्वेश्चंस की. जब नेगेशन नेगेटिव के साथ क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन. अगर मेरे से पूछा जाता कैसी होती है तो मैं कहती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अब पूछा जा रहा है कैसी नहीं होती, टर्मिनेटिंग नहीं होती और रिपीटिंग भी नहीं होती. क्या ये बात समझ में आई है? क्वेश्चन को सिर्फ पूछने का तरीका डिफरेंट किया है. इज इट ओके स्टूडेंट्स? Yes. चलिए आगे चलते हैं. देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. चलिए जी अब इसकी भी बात कर लें. व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ये दो और तीन कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक जो इंटीजर्स आ रहे लगातार, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट. रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, जितने मर्जी ले लो इनके बीच में. सो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स. फिर एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर. रियल नंबर अभी हम बात करके हटे हैं कि रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, वो रियल की कैटेगरी में तो आते ही आते हैं. सो आंसर कौन सा बन गया आपका फिफ्थ का? B. Answer for fifth is B. D. Ma'am, D नहीं आएगा. Repeating. D. D में integer दिया है. Every rational number is integer. दो options है तुम्हारे पास. जो D है उसमें last में integer दिया है और दूसरे में real दिया है. तो क्या correct है? क्या integer के real number? इंटेजर. अरे बा, रैशनल नंबर इंटेजर होता है. अभी हमने कहा था 3/2 रैशनल है, क्या इंटेजर है? नहीं है. एवरी इंटेजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली एन इंटेजर. बट रैशनल नंबर रियल By all means है ही, क्योंकि real number में rational, irrational, integer, whole, natural सब कुछ आ जाता है. Right? So answer for fifth is B and not D. Question number two देखो जी. मुझे दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर डालना है. तो हम क्या करते हैं इसमें? मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड टेक द स्क्वायर रूट. जैसे रैशनल के लिए अगर आपने पढ़ा हो, ए और बी के बीच में रैशनल नंबर डालना है तो हम कहते हैं ए प्लस बी बाय टू कर लो. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एक तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके बीच के नंबर डाल दें. दूसरा तरीका है ए प्लस बी बाय टू. लेकिन अगर इसके बीच में इरेशनल नंबर्स डालने हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, अगर रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो ए प्लस बी बाय टू से कर सकते हो, या जो दूसरा मेथड हमने किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इनके बीच के डाल दो. दैट वे यू कैन डू. बट फॉर इरेशनल नंबर व्हाट यू आर सपोज टू डू? अंडर रूट ए बी. सो बी आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर टू का.
अब चलते हैं जी केस स्टडी पे, पढ़ो जरा पहले केस स्टडी में क्या कहा जा रहा है। ध्यान से पढ़ना। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और फिर आपसे पूछ लिया गया कि रैशनल है या इरैशनल है। मैं एक एक करके नंबर पहले बोर्ड पे लिख लेती हूँ। 23.434343 सो एंड सो फोर्थ। 0.235 के ऊपर बार डाल दिया गया है। 0.835, अंडर रूट 5, पाई, 0.101, डबल 0, 1001, 005, ऐसे ही चलते जा रहा है। अगला नंबर है 15.712, 12 पर बार है। फिर है फोर्थ रूट ऑफ 81 एंड देन 1/√28। चलिए जी, नाइन्थ ए में से प्रभजोत, फटाफट आते जाना, टाइम कम है, जल्दी जल्दी देख लें। प्रभजोत फ्रॉम नाइन्थ ए। हाँ बेटा, पहला नंबर कैसा है, रैशनल के इरैशनल? रैशनल क्यों है, रीजन भी बताते जाओ। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये 43 43 रिपीट होते जा रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए बेटा, अब आएंगे नाइन्थ बी से परमवीर। परमवीर फ्रॉम नाइन्थ बी, जल्दी आ जाओ फटाफट। रैशनल क्यों है, रैशनल क्या चीज है जो इसमें रिपीट हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, कौन कौन से नंबर हैं जो रेपिटेशन पर हैं? इज इट 2 3 5 या सिर्फ 3 5? ओनली 3 5। तो मैं इसको अगर लिखूं एक्सपांडेड फॉर्म में तो 3 5 3 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए जी, 9C से अब मुझे बताना है फुल। राहुल फ्रॉम 9C। कैसा है ये, रैशनल के इरैशनल? आई शिफ्टेड टू 9th F। हाँ ओके, शिफ्टेड टू 9th F। ओके जी, तो 9C से भूमिका। भूमिका फ्रॉम 9C। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ, 0.835 कैसा है, रैशनल के इरैशनल? रैशनल। रैशनल कैसी है इसकी एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग की टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, रुक गई है बेचारी, इसके आगे नहीं बढ़ रही, तो कैसी है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल हो जाएगा। चलिए जी, 9D, पूनम। पूनम फ्रॉम 9D। बेटा अंडर रूट 5 कैसा है, रैशनल है कि इरैशनल है? हाँ जी, अंडर रूट 5 रैशनल और इरैशनल? Irrational, क्योंकि रूट 5/1 मैं लिख भी लूं तो रूट 5 इंटीजर नहीं है, आई कैनॉट राइट इन द फॉर्म p/q, और अगर आप रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग आती है। स्क्वायर रूट्स निकालने आपने पढ़े थे 8वीं क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। चलिए जी, गुड, चलिए सीट पर चलिए। 9E, 9E से दविंदर, दविंदर सिंह फ्रॉम 9E। हाँ बच्चे आजा फटाफट, पाई कैसा है, रैशनल के इरैशनल? इरैशनल। इरैशनल, पाई हमें मालूम है इरैशनल नंबर है। अभी इसके बारे में एक मिनट पहले ये कर ले, फिर एक बात करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे चलो, 9F, अमित। अमित फ्रॉम 9F। शिफ्टेड। हाँ जी, शिफ्टेड, ओके। तो 9F से ध्रुव। I'm shifted. लवप्रीत। Shifted. सारे शिफ्ट हो गए। किरण ज्योत। I'm shifted. अंशिका। I'm shifted. फिर अपने आप आ जाओ, 9th F में से कौन आएगा आगे? अब मैं ऐसे नाम बोलती रहूं, सारे शिफ्टेड वाले होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 9F, आज मैडम किसी को भेज दो। हाँ जी, ये बताओ जी कैसा है, इरेशनल के रैशनल?
इरेशनल इरेशनल क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो बेचारा कहीं रुक रहा है ना ही एक पैटर्न पर रिपीट होते जा रहा है। चलिए जी बैठिए सीट पर। 9A से अब आएंगे त्रिश, त्रिश फ्रॉम 9A। हाँ बच्चे 15.7 12 12 पर बार है, कैसा नंबर, रैशनल के इरैशनल? रैशनल क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए जी सीट पर। 9B से अब आएगा कौन आएगा कौन आएगा, अमरजीत, अमरजीत फ्रॉम 9B, अमरजीत फ्रॉम 9B, फटाफट आ जा बेटा, भाग भाग के दौड़ के। हाँ वेरी गुड। हाँ जी फोर्थ रूट ऑफ 81 रैशनल के रैशनल? रैशनल रैशनल बिल्कुल ठीक है बेटा। 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हो, ये 1/4 पड़ा है, 3 आ गया, इट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। गुड बच्चे वेरी गुड, इस पे ही कंफ्यूजन होनी थी, बाकी तो कहीं कंफ्यूजन है भी नहीं है। 9C विवेक शिफ्टेड, ईशा, ईशा फ्रॉम 9C। हाँ जी स्क्वायर रूट ऑफ 28 वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28 रैशनल की इरेशनल? रैशनल। कैसे मैम इरेशनल? वो तो है, इरेशनल नहीं तो इरेशनल होगा कैसे, तो यहाँ भी बताना पड़ेगा बेटा। 28 का स्क्वायर रूट कर रहे हो, 28 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और हमने कहा जो भी रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके स्क्वायर रूट्स कैसे आंसर देते हैं, इरेशनल। चलिए जी तो अब मेरा पहला क्वेश्चन था कितने रैशनल नंबर हैं, बताओ जी कितने रैशनल हैं? 5 आर रैशनल, 4 आर इरेशनल। तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है, अगली क्लास में अब सबसे पहले हमने दो बातें करनी है, एक पाई के बारे में और दूसरा इसके साथ 22/7 का कुछ बात करनी है, मुझे याद करा देना कल की क्लास में, और बाकी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनकी कन्वर्जन की बात करेंगे और नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें इस असाइनमेंट में से हमारी बची हैं, सो विल डू इट टुमारो, राइट? ओके बच्चों समझ में आ गया आज जो किया हमने? यस। ओके जी बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, बाय मैम, बाय बाय बाय।